हेलो एवरीवन। तो चलो आज अपन सोल्व करते हैं एक्सरसाइज 1A। ठीक है, कुछ तो मैंने इसका समझाया भी था। ठीक है, तो थोड़ा सा और समझ लेते हैं अब एक बार। ठीक है, देखो ध्यान से। तो जब ऐड और सबट्रैक्ट करते हैं नंबर्स को, दो ही तरीके होते हैं, मतलब या तो दोनों सेम साइन हो या दोनों डिफरेंट साइन हो। ये तो कंडीशन में क्या है, दोनों सेम साइन है, दोनों प्लस के हैं, दोनों माइनस के हैं, और यहाँ डिफरेंट साइन है, एक नंबर प्लस का है एक माइनस का है, और यहाँ भी एक नंबर माइनस का और एक प्लस का है। तो जब सेम साइन होते हैं तो नंबर्स जो होते हैं, नंबर्स को अपन ऐड करते हैं। नंबर्स को क्या करते हैं, ऐड, और उनके आगे साइन वही लगाते हैं जो साइन है। ठीक है, जैसे ये 5 + 4 कितना होता है, 9, तो ये प्लस का 9 आएगा, ये -5 -4 दोनों सेम साइन है तो नंबर ऐड होंगे, लेकिन माइनस का 9 आंसर आएगा। ठीक है, और जब डिफरेंट साइन होते हैं तो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और साइन उसका आएगा जो नंबर बड़ा है। तो जैसे यहाँ अलग अलग साइन है, यहाँ अलग अलग साइन है, तो डिफरेंस करेंगे अपन, नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा दोनों कंडीशन में, लेकिन इसमें अपना -1 बचेगा क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा था। ठीक है, तो आई होप ये इतना आपको समझ में आया हो। ठीक है, अच्छा और कंडीशन क्या है, जो प्लस प्लस होता है वो होता है अपना प्लस, प्लस माइनस होता है माइनस, माइनस इंटू प्लस होता है माइनस, और ये माइनस इंटू माइनस होता है प्लस। ठीक है, तो ये चार कंडीशन, और ये और तुम को याद रखनी है। ठीक है, ये तुम्हारी मल्टीप्लाई में भी चलती है ये कंडीशन, और ये कंडीशन कहाँ भी चलती है, जैसे एक साथ दो साइन आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे 15 + -8 आ गया, तो यहाँ पे प्लस माइनस इंटू करके, प्लस इंटू माइनस करके क्या होता है, माइनस, तो यहाँ तुम्हारा क्या बनेगा, 15 - 8, और फिर इसको तुमको सोल्व करना है। पहले ये दो दो साइन जो हैं, इनके इनके इनको मिक्स करने से कौन सा साइन आएगा वो लिखना है, और फिर अपने को सोल्व करना है। तो 15 - 8 अपने को पता है 7 होता है। ठीक है, तो इस तरह से अपन इनको सभी को सोल्व करेंगे। तो चलो चलते हैं, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है और जो सेकंड क्वेश्चन है वो मैं आपको बता चुका हूँ, इसके एक दो मैं फिर भी एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, ताकि आप अगर भूल वगैरह गए हो तो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलो चलते हैं फिर। तो जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का मैं आपको बताता हूँ, पहले थर्ड वाला। तो थर्ड वाला है -7 + -23। तो मैंने अभी बताया ये जो प्लस इंटू माइनस होता है ये क्या होता है, क्या बनेगा, ये माइनस। ठीक है, अब दोनों नंबर सेम साइन के हैं तो नंबर ऐड होंगे तो आएगा अपना 30, लेकिन अब अपना आंसर आएगा -30। ठीक है, तो ऐसे अपने को सोल्व करना है। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन भी अपन कर चुके, एडिटिव इनवर्स की बात अपन कर ही चुके, बस अपने को साइन चेंज करना है। अच्छा, नहीं किया, नहीं किया एडिटिव इनवर्स वाला, नहीं किया। तो अब बता दूं, जैसे तुम्हारा एडिटिव इनवर्स निकालना है तो इसका बता देता हूं मैं आपको आराम से। हाँ, तो फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ -83। तो अपन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे तब, एडिटिव इनवर्स ऑफ -83 इज +83। तो एडिटिव इनवर्स कैसे लिखते हैं, नॉर्मली बस साइन चेंज कर देते हैं। जैसे -83 है तो इसका +83 हो जाएगा एडिटिव इनवर्स, इसका 256 है प्लस का, तो इसका एडिटिव इनवर्स माइनस का 256 होगा, 0 का 0 ही होगा। ठीक है, और -2001 है, इसका एडिटिव इनवर्स प्लस का 2001 होगा, बस अपने को साइन चेंज करना है। एडिटिव इनवर्स का वैसे मीनिंग क्या होता है वो भी बता देता हूँ। जैसे 5 है तो 5 में अपन क्या ऐड करें, कौन सा नंबर ऐड करें कि अपना 0 आ जाए, तो अपन करते हैं -5। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब अपना साइन चेंज ही होता है, तो अपन ने ये साइन चेंज कर दिए सारे। ठीक है, अच्छा फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ क्वेश्चन मैं बताता हूँ, सभी क्वेश्चन अब नहीं बताऊंगा, तो बाकी के क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। जैसे मैं आपको फर्स्ट बता देता हूँ, थर्ड बता देता हूँ, फिफ्थ बता देता हूँ, सेवन्थ बता देता हूँ, बस। ठीक है, तो फर्स्ट वाला बताता हूँ। तो सब्ट्रैक्ट में हमेशा ध्यान रखना, फ्रॉम वाला पहले लिखेंगे, तो फ्रॉम में है -42 लिखा, सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस का साइन लगाया, फिर पहले वाला लिखेंगे 28। अब देखो दोनों नंबर कैसे हैं, माइनस के, तो दोनों नंबर क्या होंगे, ऐड, सेम साइन है तो ऐड होते हैं, तो ये 0 1 कैरी हो गया, 2 1 3 और 4 7, तो ये हो गया -70 फर्स्ट का आंसर। ठीक है, ये है अपना फर्स्ट। फिर मैं बात करता हूँ थर्ड की। ठीक है, तो थर्ड कैसे होगा, फ्रॉम वाला पहले लिखो -53, माइनस का साइन सब्ट्रैक्ट करने के लिए,
और फिर पहला वाला नंबर माइनस 37। तो अब की बार ब्रैकेट में लिखना क्योंकि माइनस का 37 है, ठीक है। तो चलो अब इसको पहले तो ये इलाज करते हैं कि ये डबल साइन आ रहे हैं इसका क्या बनेगा। तो अपने को पता है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो ये प्लस का 37 आएगा। अब देखो डिफरेंट साइन है तो अपने को पता है नंबर सब्ट्रैक्ट होंगे, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 53 में से 37, ठीक है। तो ये 13 में 7 गया तो 6 बचेगा, और ये 4 में 3 गया तो 1, मतलब 16 बचेगा अपना। कितना बचेगा? 16। लेकिन किसका बचेगा? माइनस का, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा था। तो ये फर्स्ट वाला और ये थर्ड वाला अपन कर चुके हैं। अब आगे देखते हैं अपन फिफ्थ वाला करते हैं, ठीक है, और फिर अपन करेंगे सेवंथ वाला, ठीक है। तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। हाँ, फिफ्थ वाला क्वेश्चन अपना ये रहा 318 फ्रॉम जीरो। तो फ्रॉम वाला पहले लिखो जीरो माइनस, और फिर लिखो पहले वाला नंबर 318। तो अपना आंसर आ गया माइनस का 318। जीरो माइनस 318 क्या होगा? यही आएगा, ठीक है, आंसर। अच्छा, फिर अपन बात करते हैं सेवंथ की। तो सेवंथ वाला क्या है, ये भी सेम ऐसा ही है। फ्रॉम वाला पहले लिखा सेवंथ के लिए, फ्रॉम वाला पहले लिखा जीरो है, माइनस का साइन लगाया, फिर माइनस 64 लिखेंगे। तो यह क्या आएगा? जीरो प्लस 64, क्योंकि अपन ये माइनस माइनस क्या बनेगा? प्लस। तो आंसर आ गया अपना 64, एंड दिस इज अवर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 अपना कंप्लीट कर लेना तुम लोग, ठीक है। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, इन दोनों के सम को किस में से सब्ट्रैक्ट करना है? 34 में से। तो फ्रॉम वाला पहले लिखेंगे, लेकिन पहले ये इन दोनों का सम कर लेते हैं। तो ये जो फिफ्थ वाला है वो ऐसे करना है तुमको, माइनस 1032। और चलो एक साथ ही कर लेते हैं इसको आराम से। देखो ध्यान से, फ्रॉम वाला पहले लिखा मैंने, ये फ्रॉम वाला पहले लिखा माइनस का 34, ठीक है, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, और फिर पहले वाले लिखेंगे। तो पहले वाले में क्या आएगा? इन दोनों का ऐड आएगा, माइनस 1032 और प्लस में 878, ठीक है। तो इतना सिंपल सी बात थी, फ्रॉम वाला पहले लिखा और माइनस का साइन लगा के फिर पहले वाला लिखा, तो पहले वाला में ये ऐसे आएगा, ठीक है। तो इन दोनों को अब कर लेते हैं। तो ये माइनस का 1032 है, अपने को पता है अलग अलग साइन है तो सब्ट्रैक्ट होंगे, और ये है 878, तो सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये 12 में से 8 गया तो 4, और ये 12 में 7 गया तो कितना? 5, और ये 9 में से 8 गया तो 1, तो 154 आएगा, ठीक है। तो 154 किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि नंबर किसका बड़ा था? माइनस का। तो ये बचेगा तुम्हारा माइनस का 34, माइनस का साइन बाहर है ही, और अंदर दोनों को ऐड किया या सब, है ना, तो क्या आया? माइनस का 154। चलो अब ये देखो, डबल माइनस का साइन आ रहा है तो क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस का 34 प्लस का 154। तो अब देखो अलग अलग साइन है, डिफरेंट साइन, तो अपने को पता है नंबर सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 154 में से 34 माइनस कर देते हैं, 0 ये 2 1, कितना आएगा? 120, और प्लस का ही आएगा क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा था। तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन अपन ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, सब्ट्रैक्ट करना है 134 माइनस का, वो भी फ्रॉम द सम ऑफ, फ्रॉम वाला पहले लिखो, फ्रॉम वाले में है सम दोनों का, तो लिखूंगा 38 प्लस माइनस का 87, ठीक है। इन दोनों का ऐड, फ्रॉम वाला पहले लिखा फिर माइनस का साइन लगाया, और फिर लिखेंगे अपन पहले वाला माइनस का 134, ठीक है। ये फ्रॉम वाला पूरा का पूरा पहले लिखा, पहले वाला बाद में लिखते, ठीक है। चलो अब सोल्व कर लेते हैं। तो ये किया था 38 प्लस माइनस का 87, तो यहाँ देखो ये 38, ये जो प्लस और माइनस का साइन है ये क्या बनेगा तुम्हारा? माइनस 87, ठीक है। और ये देखो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा तुम्हारा? प्लस का 134। चलो पहले इन दोनों को कर लेते हैं। तो 87 अलग अलग साइन है तो सब्ट्रैक्ट होंगे, 87 में से 38 माइनस 17 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 5 नहीं बचेगा, 9 बचेगा। 17 में से 8 गया तो 9 ही बचेगा, है ना, ठीक है।
तो ये नाइन और ये फिर अपना कितना बचेगा, सेवन, सेवन में से तरीका है तो फोर, तो कितना बचा, फोर्टी नाइन। ठीक है, तो ये अपना बचेगा माइनस का 49, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा था, और प्लस का है 134। अब डिफरेंट साइन है तो क्या होंगे जाएंगे, सब्ट्रैक्ट, तो बड़ा वाला पहले लिखो और छोटा वाला बाद में, सब्ट्रैक्ट करो 14, 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 5। ठीक है, और यहाँ 12 बचेगा, 12 में से 4 गया तो 8, तो अपना आंसर आ जाएगा 85, वो भी प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है। ठीक है, तो ऐसे अपन सिक्स वाले क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। सेवंथ वाला क्वेश्चन तुम लोग खुद कर सकते हो, लेकिन मैं भी एक बार जल्दी से बता देता हूँ, है ना, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आए तुमके। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे 2 + 3 + 5 है, 2 + 3 + 5 है, तो इन दोनों को पहले ऐड करो या फिर पहले इन दोनों को ऐड करो, अपना आंसर सेम ही आता है, इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, उधर -13 27 -41 है, इस साइड में तो इन दोनों को पहले ऐड कर रहे हैं, तो इस साइड में इन दोनों को, और यहाँ 27 है, तो यहाँ अब तुम्हारा आ जाएगा माइनस का 41। तो देखो 26 माइनस का 49, ये अपना आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 83। ये 53 इधर आ जाएगा और -37 मैच हो रहा है। -68 ये रहा, माइनस का 76 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, -72 में 0 ऐड करेंगे तो माइनस का 72 ही आएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 83 आ जाएगा। ये -60 में -60 है और यहाँ माइनस का साइन है, फिर अपन कौन सा नंबर लिखेंगे, अपना माइनस का 59 बचे तो अपन लिखेंगे माइनस का 1। चाहे तो सोल्व करके देख लो कैसे, माइनस का 60, अब ये किसका बनेगा, प्लस का 1, माइनस का 60 प्लस 1 सब्ट्रैक्ट होंगे तो 59 बचेगा माइनस का। ठीक है, तो यहाँ अपना क्या लिखेंगे, माइनस का 1। ऐसे ही यहाँ पे इसमें माइनस का 9 लिखेंगे ताकि दोनों माइनस के नंबर ऐड होके माइनस का 40 बन जाए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 वाला करते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है वो देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा अपना, सिंप्लीफाई करना है अपने को। तो ये है -13 - -27 करली ब्रैकेट प्लस माइनस का 25 माइनस माइनस का 40। ठीक है, अब सुनो, पहले तो ये दो डबल जो माइनस आ रहा है इसको अपन क्या कर देंगे, प्लस, माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है, सेम अपन इस वाले में कर देंगे, ये माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है, तो ये 27 - 13 अलग अलग साइन है, सब्ट्रैक्ट होंगे, 27 में 13 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, प्लस का 14, क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है। ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कितना बचेगा 15 प्लस का, क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, सेम साइन है क्या, तो अपना आंसर आ जाएगा 29। तो ऐसे अपना ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 8th वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 अपना ये रहा, फाइंड, देखो इसको सोल्व करना है अपने को, इसको सोल्व करना है और फिर बताना है ये दोनों इक्वल है या नहीं है। तो पहला वाला पार्ट अपन सोल्व करते हैं। पहला वाला पार्ट क्या है, 36 माइनस माइनस का 64। तो ये देखो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस 64। कितना आंसर आया अपना, 100। ठीक है, दूसरा वाला पार्ट है -64 और -36, है ना। तो यहाँ तो ये ब्रैकेट तुम हटा भी सकते हो, कोई जरूरत नहीं है इस ब्रैकेट की, सॉरी बहुत कुछ हट गया। तो ये 64 ऐसे, है ना। तो अब देखो दोनों नंबर माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, ऐड होके 100 तो बन जाएगा, लेकिन माइनस का 100 बचेगा। तो इसमें प्लस 100 आया था आंसर, इसमें माइनस का 100, तो बोलेंगे दीज आर नॉट इक्वल। क्या बोलेंगे, दीज आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। फिर चलो चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 कैसे सोल्व करेंगे चलो देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं सोल्व। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है वो देख लेते हैं जल्दी से। तो 10 वाला मैं आपको समझा दूंगा, फिर 11 वाला आप लोग खुद कर सकते हैं। ठीक है,
चलो लेकिन फिर भी चलो थोड़ा थोड़ा बता दूंगा। तो वेरीफाई करना है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल है। तो पहला लेफ्ट हैंड साइड में उठा लेता हूँ इसकी, सॉरी तो इसकी मैं उठा लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी के ऊपर ब्रैकेट है और प्लस सी है। ए की वैल्यू मैं रख देता हूँ यहाँ पे -8 गिवन है, बी की -7 है, सी की 6 है, तीनों वैल्यू रख देता हूँ। -8 प्लस बी की रखो अब -7, ठीक है, और प्लस सी की रखो 6, ठीक है। तो अब ये देखो ये -8 और ये प्लस माइनस क्या होगा, -7 और प्लस का 6, तो ये दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों सेम साइन के हैं, तो माइनस का कितना बनेगा 8 7 15 और प्लस का 6 विच इज इक्वल टू माइनस का 9 आ गया तुम्हारा आंसर लेफ्ट हैंड साइड का, ठीक है। राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है, ए प्लस बी प्लस सी पे ब्रैकेट है, तो वैल्यू रखो ए की वैल्यू रखी अपन ने -8 प्लस बी की वैल्यू रखो, बी की वैल्यू है -7 और प्लस सी की वैल्यू है 6। तो चलो सोल्व कर देते हैं, -8 प्लस ये कितना आएगा अपना -7 बचेगा, क्योंकि अलग अलग साइन में सबट्रैक्ट होंगे ना नंबर, तो माइनस का बचेगा वो, तो ये तुम्हारा -8 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -8 -1 मतलब -9, तो दोनों साइड इक्वल आ गई, तो अपना वेरीफाई हो चुका है। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी अपना सोल्व हो चुका है, तो अब करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 11 की बात। चलो 11 भी मैं आपको समझा ही देता हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, थोड़ा सा ठीक है, इसको मैं तब तक रब कर देता हूँ। चलो अब 11 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है वो देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा, ए इजल टू -9 है, बी इजल टू -6 है, पहले ए माइनस बी करना है, ए माइनस बी, तो ए की वैल्यू रखो -9 माइनस बी की वैल्यू रखो -6। सोल्व करते हैं, ये -9 ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आंसर आ गया तुम्हारा -3। अब थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूँ, तो थोड़ा इसलिए जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को लग रहा होगा कि तुमको समझ में आ रहा होगा। तो बी माइनस ए क्या होगा, -6 माइनस ए की वैल्यू -9, तो ये आया माइनस का 6 और प्लस का 9, तो यहाँ प्लस का 3 बचेगा, तो दोनों नॉट इक्वल है, तो इसलिए यहाँ पे नॉट इक्वल आ रहा है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में है द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -16, वन ऑफ देम इज 53, फाइंड द अदर, ठीक है। जो दूसरा फाइंड करवा रहा है उसको अपन एक्स मान लें, तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख देते हैं, वन इंटीजर इज 53, ठीक है, वन इंटीजर इज 53, लेट द अदर इंटीजर बी एक्स, ठीक है, लेट द अदर इंटीजर बी एक्स, दूसरा वाला जो इंटीजर है उसको अपन ने मान लिया एक्स। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है उस पे चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों इंटीजर का सम है ऐड है वो -16 है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं, ये 53 और ये प्लस का एक्स विच इज इक्वल टू माइनस का 16, तो 53 इस साइड में आ जाएगा, माइनस में जाएगा, ये आपको बता ही रखा है कि इक्वेशन में कोई चीज अगर एक साइड में एडिशन में है तो दूसरे साइड में वो माइनस में जाती है, तो -53। तो अब देखो दोनों नंबर माइनस के हैं मतलब ऐड होंगे, तो 6 3 हो गया 9, 5 1 हो गया 6 और माइनस का 69 अपना आ गया, ठीक है। तो दूसरा वाला इंटीजर आ गया अपना माइनस का 69। चलो फिर आगे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल सेम है, बस अपनी वैल्यू चेंज हो गई है, ठीक है, वैल्यू चेंज हो गई है, तो चलो कर लेते हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सम दे रखा है 65, वन इंटीजर है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वन इंटीजर है अपना माइनस का 31, अदर को मान लेते हैं अपन एक्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों का जो सम है ऐड है वो 65 है, तो दोनों को ऐड करके मैं 65 लिख देता हूँ, माइनस का 35 प्लस एक्स इज इक्वल टू 65,
तो माइनस का 35 है वो राइट साइड में प्लस में जाएगा, तो x इज इक्वल टू 65 प्लस 35, तो x की वैल्यू आ गई तुम्हारी 5 5 10 0 1 कैरी 100। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 100, तो इसका मतलब दूसरा इंटीजर कितना था तुम्हारा 100। ठीक है, चलो अब फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर ए एंड माइनस सिक्स इज 4। दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस का मतलब दोनों को माइनस करना है। तो मैंने ए पहले लिखा, माइनस का साइन लगाया और फिर दूसरा नंबर लिखा, पहला नंबर लिखा फिर माइनस का साइन फिर दूसरा नंबर लिखा, विच इज इक्वल टू 4। तो ये क्या आएगा तुम्हारा, माइनस माइनस हो गया प्लस 6, विच इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 4, 6 उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो 4 माइनस 6 ए की वैल्यू आ गई माइनस का 2। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है इसमें। ठीक है, डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर ए एंड माइनस 6 इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो ए की वैल्यू अपने को निकालनी थी, दोनों का डिफरेंस दे रखा था ए और माइनस 6 का, तो मैंने लिखा ए फिर माइनस का साइन लगाया फिर माइनस 6 लिखा, इक्वल टू में मैंने 4 लिखा और इसको सॉल्व किया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 6 उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो ए की वैल्यू आ गई अपनी माइनस 2। ठीक है, अच्छा एक वैल्यू और निकाल सकते हैं, एक ही, वो कैसे, अगर अपन माइनस 6 को पहले लिखे फिर माइनस का साइन लगाए फिर ए को बाद में लिखे और इक्वल टू 4 लिखे, तो उससे एक वैल्यू और आ सकती है, लेकिन तुम बस इतना ही कर लो। ठीक है, फिर चलते हैं अपन आगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर whose sum gives। देखो पेयर लिखना है इंटीजर का, मतलब दो इंटीजर ऐसे लिखने हैं जिनका सम जीरो हो, तो अपन लिखेंगे एक तो 5 और एक माइनस का 5, दोनों को ऐड करके देखोगे तो जीरो ही आएगा। ए नेगेटिव इंटीजर, जिनका दोनों का ऐड करें तो नेगेटिव इंटीजर आए, जैसे माइनस का 2 लेता हूं मैं और एक माइनस का 3 लेता हूं, तो अपने को पता है ये बीच में प्लस माइनस तो माइनस का ही होना है, तो माइनस 2 माइनस 3 बनना है ये, और माइनस 5 अपना आंसर नेगेटिव में ही आ गया अपना आंसर। ठीक है, तो ऐसे ले लिया। फिर एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ इंटीजर, एक इंटीजर आए जो, यही एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं अपन, जो अभी पहले लिया है अपन ने माइनस 2 प्लस माइनस 3 और जो इसका आंसर आ रहा है वो माइनस 5 आ रहा है, तो ये जो अपना इंटीजर आ रहा है वो माइनस 2 से भी छोटा है माइनस 3 से भी छोटा है। अपने को पता है माइनस में नंबर जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा होता है। ठीक है, तो ये 5 माइनस 5 माइनस 3 से भी छोटा है माइनस 2 से भी छोटा है, और क्वेश्चन में यही बोला गया है। ठीक है, एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर, दोनों इंटीजर से बड़ा हो, तो जैसे मैंने प्लस का 2 लिया प्लस का 3 लिया, दोनों को ऐड करेंगे तो 5 आएगा, 5 3 से भी बड़ा है 2 से बड़ा है। ठीक है, एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर, एक इंटीजर से छोटा हो और दूसरे से तो क्या हो बड़ा हो, तो अपन ले सकते हैं जैसे 5 प्लस माइनस 3, तो अपना आंसर क्या आएगा 5, ये प्लस माइनस क्या बनेगा माइनस 3, विच इज इक्वल टू 2। तो ये जो 2 है वो क्या है, ये जो 2 आया तुम्हारा, एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर, एक से छोटा होना चाहिए। हाँ, तो ये जो 2 आया तुम्हारा आंसर वो 5 से तो छोटा है, 5 से छोटा है लेकिन माइनस 3 से बड़ा है, तो एक से ही छोटा ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 16 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट ट्रू टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, ट्रू फॉल्स लिखना है। सबसे छोटा इंटीजर है वो जीरो है क्या, नहीं, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि इंटीजर अपने कहाँ से स्टार्ट होते हैं, बीच में जीरो होता है और राइट साइड में 1 2 3 ये चलते ही जाते हैं, और लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 ये चलते ही जाते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा जीरो थोड़ा ही हुआ, इससे छोटे इधर चलते जा रहे बहुत हैं इससे छोटे तो। ठीक है, तो जो अपना आंसर आएगा इसमें फर्स्ट में, फर्स्ट का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या आएगा, फॉल्स। -10 इज ग्रेटर देन -7, ये तो सीधा ही दिख रहा है फॉल्स है, -10 तो छोटा है ना, माइनस का नंबर जितना बड़ा है वो उतना ही छोटा है, तो यहाँ -10 -7 से स्मॉलर आना चाहिए, लेकिन ये ग्रेटर लिखा हुआ है तो ये फॉल्स आ गया। ठीक है, 0 इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, सभी नेगेटिव के नंबर से तो 0 सबसे बड़ा है, ये ट्रू है। द सम ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर इज ए नेगेटिव इंटीजर, बिल्कुल सही बात है, ट्रू है, क्योंकि दो नेगेटिव इंटीजर लेते हैं तो उनका जो ऐड करते हैं वो हमेशा नेगेटिव का ही इंटीजर आता है।
ठीक है, तो ये ट्रू आएगा। द सम ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोला, एक माइनस का नंबर ले और एक प्लस का नंबर ले तो अपना आंसर हमेशा प्लस में आता है। चलो चेक कर लेते हैं, एक मैंने प्लस का नंबर लिया, एक माइनस का नंबर लिया, आंसर प्लस का आया। लेकिन मैंने एक प्लस का नंबर लिया, एक माइनस का बड़ा ले लिया अबकी बार मैंने, तो देखो माइनस का टू आंसर आएगा। तो अपना आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, और ये ओनली पॉजिटिव की बात कर रहा है, तो ये आ गया अपना फॉल्स। ठीक है, तो आई होप ये पूरी एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लोगे। ये मल्टीप्लाई मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज बड़ी है तो इसलिए मैं आज तो नहीं करवा सकता, ठीक है, तो कल करेंगे इसको, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, और इसको अपने नोटबुक में कर लेना, ठीक है।